आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए प्रेस वार्ता में एसपी सागर कुमार झा क्या बोले जानते हैं। बेलदौर कांड का किया उद्भेदन, देखें और जानें। में इन सभी कांडों का समीक्षा किया गया था एवं जो थानाध्यक्ष बेलदौर हैं उनको निर्देशित किया गया था कि शीघ्र ही इन सभी लंबित कांडों का उद्भेदन हो और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में बेलदौर थाना के द्वारा स्थानीय सूचना के आधार पर एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 3 संपत्तिमूलक कांडों का उद्भेदन किया गया है, जिसमें से 1 डकैती का कांड है और 2 लूट के कांड हैं। इस घटनाक्रम के उद्भेदन से मुझे आशा है कि उस क्षेत्र में जो लूट के कांड पिछले कुछ माह से प्रतिवेदित हो रहे थे उसमें गिरावट आएगी। तो घटना का विवरण यह है कि दिनांक 24 फरवरी को संध्या करीब 4 बजे थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के मद्देनज़र हथियार के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इस सूचना को पा करके गश्ती के क्रम में संदिग्ध लोगों का जांच किया गया और इस क्रम में 2 व्यक्तियों अंकित कुमार पिता राजेंद्र राम एवं सौरभ कुमार अम्बेडकर पिता दिनेश राम, इन दोनों व्यक्तियों की संदिग्ध अवस्था में पाते हुए जमा तलाशी लिया गया। तो इनके पास से एक व्यक्ति के पास से 2 देसी कट्टा एवं 4 जिंदा कारतूस एवं दूसरे के पास से 1 देसी कट्टा तथा 4 जिंदा कारतूस जो था उनके पास उसको बरामद किया गया और निशानदेही पर जो पूर्व में लूटा हुआ लैपटॉप था इनके द्वारा और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल इसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई है। तो इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास इस प्रकार है कि बेलदौर थाना में जो अगस्त में लूट की घटना हुई थी और एक नवंबर में डकैती की घटना हुई थी आर्म्स एक्ट के साथ, तो इन दोनों मामलों का और एक इसी वर्ष जनवरी माह में एक लूट का घटना हुआ था जिसमें कि लैपटॉप को लूटा गया था, तो इन तीनों घटनाओं का जो है उद्भेदन हुआ है। तो कुल तलाशी के क्रम में इनके पास से 3 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस, 1 एंड्रॉयड मोबाइल, 500 रुपये नगद एवं लूटा हुआ स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं लूटा हुआ लैपटॉप, ये सभी बरामद जो है वो किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को आज जो माननीय न्यायालय है उसमें अग्रसारित किया जाता है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इन लोगों की गिरफ्तारी महिनाथ नगर मुखला नहर पुल बेलदौर थाना के पास से हुई है। रहने वाला कहाँ का है? ये लोग बेलदौर थाना के महिनाथ नगर के ही रहने वाले हैं। क्या ये 2 लोग ही मिलकर करते थे या और इनके पीछे क्या सारा डकैती इसमें? डकैती का जो कांड हुआ था इसमें एक मधेपुरा के अभियुक्त है जो कि चिन्हित किया गया है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो डकैती के कांड में कुल 8 व्यक्तियों का नाम जो है वो केस में आया है, पूर्व में भी कुछ लोग जेल में गए और ये लोग अभी फरार थे। कहाँ